Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and safe. Today we are going to discuss on the topic resources chosen from 8th class geography. प्यारे बच्चों, रिसोर्स पर आज हम बात करने जा रहे हैं. तो ये चूंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैंने पहले तीन हिस्सों में प्रिसाइज करके लिखा है. सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज रिसोर्स, दूसरी हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स, और तीसरी जिस पर हमें बात करना है, हु कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज. तो हम सबसे पहले इस मौजू पर आते हैं, व्हाट इज रिसोर्स. रिसोर्स किसको कहते हैं? रिसोर्स इज ए सोर्स और सप्लाई फ्रॉम विच बेनिफिट इज प्रोड्यूस्ड एंड दैट हैज सम यूटिलिटी. इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्स. यानी हम इस तरह इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी चीज हम इस्तेमाल में लाते हैं, चाहे घर में, चाहे दफ्तर में, चाहे दुकान पर, चाहे बाजार में, चाहे कारोबार में, चाहे जमींदारी में, जो भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं उसको रिसोर्स कहते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर कुछ चीजों का नाम लिखा है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं. आप सब बच्चों को आप सब बच्चे इनको अच्छी तरीके से जानते होंगे, जैसे क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉमर्स, बुक्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बाइसिकल, वेजिटेबल्स, बेड, लॉकर, कोटन एटसेट्रा. यानी ये सब चीजें जो आप देख रहे हैं ये हमारे घरों में मौजूद होते हैं. तो इन चीजों से हम अच्छे तरीके से काम लेते हैं, इनको हम अच्छे तरीके से घर में इस्तेमाल में लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं. यानी जिस चीज को हम इस्तेमाल में लाते हैं उसको रिसोर्स कहते हैं. यानी जिस चीज की का वैल्यू होता है, कीमत होता है, उसको हम रिसोर्स कहते हैं. तो इस्तेमाल में लाते हैं उसको रिसोर्स कहते हैं. इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होते हैं जिनको हम इस्तेमाल में लाते हैं. तो अब दूसरी बात जिस पर हमें करनी है वो है हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स. यानी कोई भी चीज़ कैसी रिसोर्स बन सकता है. यानी जिस चीज़ का वैल्यू होगा, जिस चीज़ का हम अफादियत, यानी जिस जो फ़ायदेमंद चीज़ होगा. तो अब बच्चों, जो भी चीज़ होती है उसकी इसका वैल्यू होता है, कीमत होती है उसकी. यानी कीमत से पता चलता है कि ये चीज़ वैल्यूबल है, यूज़फुल है, काम के लायक है. तो अब वैल्यूबल कैसे बनता है चीज़? जैसे हम देखते हैं कोई चीज़ ऐसी होती है जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, इकोनॉमिक वैल्यू यानी मार्केट रेट, मार्केट प्राइस होता है. मार्केट प्राइस जिस चीज़ की होगी उसे हमें पता चलता है कि ये कीमती चीज़ है. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होते हैं जिनका मार्केट वैल्यू नहीं होता है, मार्केट प्राइस नहीं होता है. मिसाल के तौर पर हम लेते हैं एक मिट्टी का डीला. एक मिट्टी का डीला जो हमारे सामने होता है उसको हम यूँ ही समझते हैं, उसकी कीमत हमारे सामने बहुत कम होती है, वो कम वक्त की चीज़ होती है. उसको कभी कभार हम खेलते हैं, खिलौने की तरह हम खेलते हैं. लेकिन जब उसी मिट्टी के डीले पर मेहनत हो जाती है, मेहनत लगती है, तो वो वैल्यूएबल बनता है, वो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है. जैसे मैं आपको मिसाल दूंगा, एक मिट्टी का डीला हम लेते हैं, उस मिट्टी के डीले को जो कुम्हार का ये चाक होता है, चाक पर उसको बहुत अच्छे खूबसूरत बर्तन बनाए जाते हैं. जब अच्छे तरीके से बर्तन हमारे सामने आते हैं तो अब उनकी कीमत बढ़ जाती है, अब वैल्यू बन गया. अब दूसरे साइड से हम लेंगे कि एक मिट्टी का डीला, जब हम उस पर मेहनत करते हैं, उसको उस ईंट के कालिब में डालते हैं, तो कालिब हमें ईंट बनाकर देता है, तो उस पर वैल्यू बढ़ जाता है, उसकी कीमत उस तरह से बढ़ जाती है. तो इसी तरह से जब हम किसी चीज़ पर मेहनत करते हैं, मेहनत करने से, रिसाइकल करने से चीज़ पर जो ये वैल्यू होता है उसका कीमत, उसका वैल्यू बढ़ जाता है. तो अब तीसरी बात हमें जिस पर करनी है वो है हु कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज. यानी
में वक्त के रुख को बदलने के साथ साथ रिसोर्सेज भी बढ़ते गए, रिसोर्सेज भी दिन ब दिन बेहतर से बेहतर बनते गए। अब हम इसे ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी कि जैसे आपने पहले भी पढ़ा है एंशिएंट हिस्ट्री में, इस तरह से मिडिवल हिस्ट्री में, इस तरह से अब आप ये मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हो। एंशिएंट में, एंशिएंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि रिसोर्सेज इंसान के पास किस अंदाज के थे, किस कदर थे, उसके बाद मिडिवल पीरियड में कैसे थे, उसके बाद आज मॉडर्न पीरियड में कौन कौन से रिसोर्सेज और किस अच्छे अंदाज में रिसोर्सेज इंसान के पास मौजूद है। आपने देखा है कि जब फायर इन्वेंट हुआ, यानी आग जब दरियाफ्त हुआ, एंशिएंट पीरियड में आपने पढ़ा है, तो आग के दरियाफ्त होने से इंसान की ज़िंदगी में किस तरह से तब्दीली आती गई। फिर आग में भी रफ्ता रफ्ता इसमें भी नयापन आता गया, जिसकी वजह से इसमें जिद्दत आ गई। इसी तरह से फिर व्हील, जब व्हील की दरियाफ्त हुई, व्हील के इन्वेंट होने से तो ट्रांसपोरेशन में किस कदर इजाफा हुआ, ट्रांसपोरेशन में किस तरह से आज हम देखते हैं किस तरह से जिद्दत आई हुई है। इसी तरह से ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए से इसमें कितनी जिद्दत आई है, और आज हम देखते हैं कि इंसान इन चीज़ों से कितना फ़ायदा उठाता है, कितने फ़ायदेमंद ये इंसान के लिए दिन ब दिन बनते जा रहे हैं। इससे ये बात वाजिया हो गई कि जब हम चीज़ों पर जो बेकार चीज़ें होती हैं, जब उनको रिसाइकल किया जाता है, रिसाइकल करने के बाद वो हमारे लिए यूज़फुल बनते हैं, वैल्यूबल बनते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल और देने जा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे हमारे पास रद्दी के कागज़ होते हैं, बहुत सारे कागज़ होते हैं हमारे पास, ये हमारे घर के आस पास, स्कूल के आस पास, या हम रास्ते में देखते हैं बहुत सारे कागज़। लेकिन जब हम इन कागज़ों को जमा करते हैं, जमा करने के बाद हम कबाड़ वालों को भेजते हैं,